किसके इशारे पर ये सब काम हो रहा है? ये सिर्फ गुंडा विधायक रघुराज प्रताप सिंह के इशारे पे हो रहा है। मैंने अभी भी कह रहे हैं कि यारों के मोबाइल नंबर के जो है क्या नाम से कार डिटेल निकलवा लीजिए, जिस व्यक्ति ने हमारे ऊपर एफआईआर हमारे भाई पर एफआईआर कराया है। रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया, नाम में जितना दम है उससे कहीं ज्यादा, उससे कहीं आगे इस शख्सियत की अपनी पहचान है। इनकी हुंकार, इनकी दहाड़ इतनी बुलंदियों पर है कि बोलने वाले की जुबान से शब्द ही गायब हो जाते हैं, विरोधी भी इनके सामने समर्थक बन जाते हैं। इनका वास्ता यूपी से है, इनका वास्ता प्रतापगढ़ से है, इनका वास्ता कुंडा से है। ये कुंडा में रहने वाले हर किसी के लिए महाराज हैं, लेकिन आज कुंडा के महाराज रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया की छवि पर सपा के सिपह सालार अखिलेश यादव के भरोसेमंद छविनाथ यादव ने बड़ा चोट कर दिया, बड़ा इल्जाम लगाया, उत्पीड़न का आरोप लगाया है। वर्तमान चेयरमैन सीमा यादव, उनके पति गुलशन यादव, पूर्व चेयरमैन कुंडा, जो हमारे बड़े भाई भी है, एक तारीख दूसरे महीने फरवरी में एक एप्लीकेशन पड़ती है नगर कोतवाली के सिविल लाइन चौकी में। उसमें यह दिखाया जाता है कि मैं, मेरे ऊपर जो एफआईआर करता है वो ये दिखाते हैं कि मैं उस मुकदमे में पैरवी करने आए हुए थे, तो मुझको कचहरी में गुलशन यादव द्वारा और उनके 14-15 समर्थक जो अज्ञात हैं उन लोगों के द्वारा मुझको मारा पीटा गया। मैं जो एफआईआर हुई है उससे पूर्ण तरीके से संतुष्ट हो जाऊंगा अगर वो जांच करा ले, उच्च अधिकारियों से जांच। किसके इशारे पर ये सब काम हो रहा है? ये सिर्फ कुंडा विधायक रघुराज प्रताप सिंह के इशारे पे हो रहा है। मैंने अभी भी कह रहे हैं उनके यारों के मोबाइल नंबर के जो है क्या नाम से कार डिटेल निकलवा लीजिए, जिस व्यक्ति ने हमारे ऊपर एफआईआर हमारे भाई पर एफआईआर कराया है, दिन भर में 2 बार जरूर बातें होती हैं। छविनाथ प्रतापगढ़ में सपा जिला अध्यक्ष हैं। प्रतापगढ़ में रहकर कुंडा विधायक और पूर्व मंत्री रघुराज प्रताप सिंह और राजा भैया के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। एक वक्त में कभी राजा भैया के बेहद करीबी हुआ करते थे। छविनाथ यादव कवाह की हत्या के मामले में आरोपी थे। उनके भाई जो कुंडा टाउन एरिया चेयरमैन के पति भी हैं, उन्हें भी आरोपी बनाया गया था। अब जेल से लौट कर आए हैं तो अपनी पूरी टीम के साथ राजा भैया के साथ बीजेपी को घेर रहे हैं। सत्तारूढ़ पार्टी के जनप्रतिनिधि के द्वारा अपने विपक्षी, जिसको समझता है कि मेरे विपक्षी होंगे, उनको जबरदस्ती फर्जी मुकदमे में फंसा करके उनको प्रताड़ित किया जा रहा है, उनको परेशान किया। और मीडिया के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ, रानीगंज विधानसभा की रानीगंज, स्पेशली रानीगंज थाने में विगत 4 वर्षों में जितने SC ST तथा कथित ब्राह्मणों पर हुए हैं उसकी जांच करा ली जाए, उतने मुकदमे पूरे प्रतापगढ़ जनपद में नहीं किसी के ऊपर। किसके इशारे पर यह सब हो रहा है? बता दिया आपसे, सत्तारूढ़ पार्टी के वर्तमान जनप्रतिनिधि जो विधानसभा में हैं उन्हीं के इशारे पर यह सब होता, वो उनके परिवार दोनों। सपा की ओर से राजा भैया पर हमला जारी है, संगीन इल्जाम लगाए जा रहे हैं। क्या ये सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का आदेश है या फिर छविनाथ यादव राजा भैया पर हमला कर अपनी राजनीति को रफ्तार देने के पथ पर आगे हैं?